आइए दो बिंदु हैं जिनको मैं लगातार ट्वीट आदि के माध्यम से उठाते रहा हूं और मैंने सरकार को समय समय पर आगाह भी किया कि आप कुंभ और कुंभ क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे। कुंभ का मतलब आपने जो तैयारियां होनी चाहिए थी, एक राष्ट्रीय इवेंट थे, हमारे देश के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है कुंभ, और उसके लिए जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही है, नंबर वन। नंबर टू, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, जो कुंभ क्षेत्र है उसकी उपेक्षा हो रही है, उसका विकास नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अर्ध कुंभ के काम अब भी दिखाई दे रहे होंगे और कुंभ के कार्य केवल कुछ सफाई उपाई रंग पुताई, इससे आगे बढ़ करके यहाँ से लेकर के देवप्रयाग तक कहीं भी कोई बड़ा परिवर्तन ऐसा जिससे हम लगें कि हम महाकुंभ के जरिए महाविकास की ओर बढ़ रहे हैं, वो कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है। और तीसरी बात, ये तो राज्य सरकार की उपेक्षा है, जो केंद्र सरकार ने उपेक्षा की है, आप कोई भी आंकड़े पता कर सकता है कि प्रयागराज के कुंभ के लिए और उसके बाद उज्जैनी के कुंभ के लिए केंद्र सरकार ने जितनी सहायता संबंधित राज्यों को दी उसकी तुलना में उत्तराखंड राज्य को बहुत कम सहायता दी गई है। हरिद्वार के कुंभ को हल्के से मैंने जो किया जिसका प्रायश्चित करना था वो प्रायश्चित मैंने उस दिन कर लिया जिस दिन मैंने उत्तराखंड की कानों में तेल डाल करके सोई पड़ी सरकार को उनके वादे के प्रति जगाने का काम किया। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम आएंगे तो हमारी सरकार का गंगा को लेकर के जो आदेश था हम उसको बदल देंगे, और 3.5 साल वो कानों में उंगली डाल करके बैठे रहे। और जब मैं अखाड़ों तक पहुंचा, जब मैं गंगा सभा तक पहुंचा और मैंने उनको लिख करके दिया कि हम गलती हुई हमसे और उसको त्रिवेंद्र सरकार ठीक करे, त्रिवेंद्र सरकार उसको दुरुस्त करे, हम समर्थन करेंगे, तो उसके बाद उनको अपने कर्तव्य की याद आई। तो मैंने जो प्रायश्चित था वो ये सोई पड़ी सरकार को जगा करके पूरा कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह का प्रायश्चित ये होगा कि वो जो उन्होंने ये आदेश निकालने में देरी की
उसका प्रायश्चित कुंभ को बहुत बेहतर तरीके से आयोजित करके दें, लेकिन ऐसा वो करने नहीं जा रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। केवल हरिद्वार में कुछ खुदाई उदाई करके माल बनाई हो रही है, बाकी जो है कोई ऐसा स्थाई काम जिनमें से एक भाद्रावास से लेकर श्यामपुर गंगा के बीच में एलिवेटेड पुल का निर्माण है, कुंभ क्षेत्र के विस्तार का मामला है, हमारे उसके परिक्रमा मार्ग बनाने की बात है जहाँ से गंगा स्वरूप गंगा के रूप में माँ भागीरथी स्वरूपित होती है उस क्षेत्र में है, और ऋषिकेश के अंदर एक बैक और पुल, एक पुल तो हम ही बना करके गए हैं जिसको जानकी सेतु कहा जा रहा है, उनमें इनका कोई योगदान नहीं है। वहाँ एक और सेतु बनना था जो इसमें बनाया जा सकता था, वो कुछ नहीं बनाया गया है। यहाँ से जो नाले हैं, इन नालों के गंदगी यहाँ कम से कम जहाँ गंगा माँ है, जहाँ हर की पौड़ी है, जहाँ ब्रह्मकुंड है, उस क्षेत्र के अंदर जहाँ दुनिया स्नान करने के लिए आती है, गंदगी न पड़े हरिद्वार की, उसके लिए मैंने एक चैनल का प्रस्ताव किया था जो चैनल यहाँ से लेकर के रानी रॉ में सारी गंदगी को डालने का काम करेगा, उससे हरिद्वार के जल भराव की समस्या का भी समाधान हो जाता। इन कामों में से जो मूलभूत काम है कोई काम नहीं किया गया है, और मैं तो स्पष्ट चुनौती दे करके कह रहा हूँ जो अर्ध कुंभ के काम है वो दिखाई दे रहे हैं, जो कुंभ के लिए काम होने थे उनका कहीं अता पता नहीं। सर, आप क्या वो बात अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते, काम करोगे नहीं तो सभी पूरे हैं, तब तो 100% जो कुछ लिखेगा ही नहीं काफी में तो उसको तो 100% मार्क्स दे मिल सकते हैं, वो क्लेम कर सकता है, जब कुछ किया ही नहीं है। जो कोई करेगा तभी तो कुछ कोई बताएगा कि कौन रह गया कौन नहीं रह गया। आप मुझे बताओ किया क्या है, रंग रोगाई और कुछ खुदाई कुछ ठुकाई और कुछ माल बनाई, ये इस मंथ पर जो है कुंभ का काम चला रहे हैं।